किरण जी अभी फिल्म के ये शाहरुख खान जी आज डिटेल हुए हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? और आपके हिसाब से जो है ऐसे कोई हॉलीवुड एक्टर जो यहाँ पे आते हैं हम उनकी भी सिक्योरिटी चेक होती है, पर हमारे जब एक्टर वहाँ पे जाते हैं तो उनकी काफ़ी सिक्योरिटी चेक होती है? अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, तो जिनके भी सरनेम खान या कुछ ऐसे होते हैं वो अक्सर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एक्स्ट्रा चेकिंग। अब एग्जैक्टली क्या हुआ मुझे तो पता नहीं, मैं तो इसी फिल्म की प्रेपरेशन में थी, ऐसा एक प्रॉब्लम शायद पहले भी हो चुका है। हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो शायद उनके मेन एक्टर्स को पहचानती नहीं है बहुत ज़्यादा, एंड आई थिंक दे जस्ट अमेरिकन फॉर देम हु आर विजिटिंग। आई थिंक एट द सेम टाइम जो उनकी सिक्योरिटी के लोग हैं वो भी हमारे मेन स्ट्रीम एक्टर्स को नहीं पहचानते, क्योंकि उन्होंने हिंदी फिल्में तो वो लोग देखते नहीं। तो मेरे ख्याल से या तो हमारी गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए दैट अ लिस्ट शुड बी गिवन to the homeland security in USA that which are the people who have to be exempt, or these are the important people from our country who visit very often. I think maybe they should do that, because it happened to the president of India also. He was frisked, Dr. Kalam, so that was very upsetting, and it is upsetting, but it's aajkal ki zindagi mein duniya mein ye cheeze ab aam ho ke reh gayi hain, kyunki itni zyada terrorism badh gayi hai, to ye problems iske sath aati hain। हमारे यहाँ पे भी तो होता है, कितनी बार लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, हम सारी फ्रिस्किंग करते हैं, कभी उसका थोड़ी आप बोल सकते हैं कि हम नहीं करवाएंगे, करवानी तो पड़ती है। संदेश टाइटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो बहुत ही अजब और गजब सा टाइटल है? आउटस्टैंडिंग सुपर हिट टाइटल है ये, वासु जी के पास हमेशा अच्छी टाइटल्स रहते हैं, लोग इच्छा करते हैं कि मेहनत करके वासु जी का ट्रैक रिकॉर्ड वैसा ही रखें, इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइटल एंड स्टोरी से काफ़ी पर्टेनिंग है, क्योंकि डायलॉग में भी आएगा, कहीं गाने में भी आएगा, बड़ी अजीब सी और गजब सी कहानी है। कॉम रॉम टाइप का बना रहे हैं जैसा मैंने बताया था, क्या एग्जैक्टली किस तरह के एलिमेंट होंगे? अर्जुन भी इस फिल्म में है। सिचुएशंस ऐसे होते हैं जैसे पुराने ज़माने में ऋषिता की फिल्में हुआ करती थी, चुपके चुपके, और जो अमोल जी के साथ गोलमाल थी, उस टाइप के जो कहानियाँ जो होती है जिसमें सिचुएशंस ऐसे आते हैं कि कैरेक्टर जो है वो मजबूर हो जाते हैं कुछ डिसीशंस लेने पे और एक्शन लेने पे, और उसमें से कॉमेडी पैदा होती है, तो ये उस टाइप की एक फिल्म है। लेकिन ऑब्वियसली एक कंटेम्प्रेरी फील है फैमिली का और रहने का, गाड़ियों का, उनका घर जो है, एंड देयर बिहेवियर पैटर्न एंड एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग कंटेम्प्रेरी, तो उसमें से जब सिचुएशन निकलेगा तो उस टाइप की एक कॉमेडी है, तो एंड उस पर रोमांस है, गाना है, सब मिक्सचर है, मसाला एंटरटेनर है। एक्शन जो होगा उसके बारे में मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूँ, काफ़ी कुछ प्लानिंग हो रही है, लेकिन जैसे जैसे होता जाएगा मैं बता जाऊँगा, अभी फिलहाल एक्शन के बारे में। लोकेशंस क्या चूज़ किए हैं, कहाँ कहाँ शूट? अलग अलग शूट, अलग जगह जगह पे शूट होगी, मुंबई में है शूटिंग इनकी, नॉर्थ में है, भोपाल में है, हरियाणा में, ओवरसीज़ के भी लोकेशंस होंगे, लेकिन प्राइमरीली ये मुंबई की काम है। ऑलराइट, और कब तक रिलीज करना चाहते हैं? अभी गाना ऐड करेंगे जिसमें हम लोग भी सब ओवरसीज रिलीज़। आप ये सवाल वासु जी से पूछें, मेरा काम है फिल्म बनाना, मेहनत करके एक्टर्स और हम लोग सब एक टीम बन के अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करेंगे। रिलीज़ करना, मार्केटिंग करना, प्रमोशन करना वासु जी से बेटर कौन करता है, तो ये उनको पूछिए आप सवाल। मेरी शूट खत्म हो जाएगी जून एंड। थैंक यू, टाइट शेड्यूल, थैंक यू संजय सैन, थैंक यू जोगी, थैंक यू मैम। अगर हम शूटिंग में ना भी हो तो भी हम जाएंगे। ये मैं आज प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा ही गाना होगा, पूरी फैमिली वेस्ट ओवरसीज में जाएंगे हम लोग, और भले ही वो बाजू का कोई आइलैंड हो, थैंक यू।